हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्प। एंड कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी फेक है और कौन सी यूनिवर्सिटी रियल है। आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा या ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें वो ये दावा करते हैं कि वो एक साल में ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके देंगे या दो साल में आपकी ग्रेजुएशन उस यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट हो जाएगी, और वो ये भी दावा करते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी रियल है, फेक नहीं है। तो कैसे पता करेंगे हम कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो वो रियल है या फेक है। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वेबसाइट पे आना होगा, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने वाला कौन है, वो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो हम ये जानेंगे ना, वहां से पता करेंगे हम कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो रियल है या फेक है। अगर यूजीसी के अप्रूव यूनिवर्सिटी के लिस्ट में अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा तो वो रियल है, अगर नहीं रहेगा तो फेक है। तो यूजीसी ने क्या किया है कि उसके लिए एक अलग सा लिस्ट भी तैयार किया है जिसमें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फेक यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले आप लोग, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप लोग ये जान लो कि यूनिवर्सिटी कितने तरह के होते हैं। चार तरह की यूनिवर्सिटी होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, डीम यूनिवर्सिटी जो पूरा यूनिवर्सिटी नहीं होता है लेकिन उसको यूजीसी की तरफ से अप्रूवल मिलता है कि वो अपना सिलेबस अपना सब कुछ खुद का प्रोवाइड करवा सके, उनको डीम यूनिवर्सिटी बोला जाता है। और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, वो चार यूनिवर्सिटी के लिस्ट है। अब इसी के अंदर सारी यूनिवर्सिटी रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या बात कर रहा हूँ, मैं कॉलेजेस का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंडर में होते हैं। तो आप लोग को अब यहाँ पे मिलेगा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस भी स्टेट में हो आप। ठीक है, तो उसमें जैसे आप कोई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट कौन कौन सा है तो वहां से आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप लोग को वहां पे लिस्ट मिल जाएगा। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि स्टेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट में कौन कौन सा है। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जिस स्टेट के भी आपको, जैसे कोई छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके बाद से उनमें स्टेट यूनिवर्सिटी का पूरा लिस्ट आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनका यूजीसी से अप्रूव है। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया आयुष हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, ये सारे यूनिवर्सिटी आप ये यूजीसी के अप्रूवल लिस्ट पे है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करके भी आप देख सकते हो। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, देखिए आलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश का जितना सारा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब सारे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में है वो ये है। फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम यूनिवर्सिटी भी है। डीम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी डीम यूनिवर्सिटी को इनवैलिड करार दिया था, तो आप लोग वो भी देख सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए थे तो वहां से आप लोग को पता चल जाएगा। तो एक्चुअली में लोग गलती यही करते हैं, क्योंकि देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत फेमस होता है, सबको पता है कि ये वैलिड है। अलीगढ़ एमयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये सब तो सारा वैलिड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो डीम यूनिवर्सिटी होते हैं इसी का फायदा उठा के गलत एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम डीम यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग को बहुत लोगों को ये भी पता होगा, IIPM का नाम सुना होगा आप लोगों ने, IIPM जो MBA प्रोवाइड करवाता था। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट था, इतने लोग स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे, वो यही इसी तरीके से फेक बताता था कि हाँ हमारा UGC से अप्रूव है, AICTE से अप्रूव है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसको UGC से कोई अप्रूवल ही नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सब सारी भी चीज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट पूरा दिया हुआ है, कौन कौन से स्टेट, वेस्ट बंगाल में कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको मान्यता दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो। और उसमें ये देखो कि उसको आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो उसका नाम है या नहीं है। अब यहाँ पे आता है फेक यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फेक यूनिवर्सिटी कितने हैं इंडिया में। देखो यहाँ पे भी इस चीज का नोटिस दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि IIPM जिसका बारे में मैं आपको बता रहा था कि IIPM UGC से अप्रूव ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, UGC ने इसको ऑफिशियल बताया है। देखो इसमें IIPM में पढ़ने में 6 लाख 7 लाख रुपया लगता था पर कोर्स MBA करने में। ठीक है, उतना कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIPM से डिग्री हासिल किया है, लेकिन बाद में जब यहाँ पे पता चला कि IIPM रिकॉग्नाइज ही नहीं है UGC से, तो उनका सारा पैसा बर्बाद हुआ। तो इसलिए आप लोग पहले देख लो UGC का ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये अपडेटेड लिस्ट है जिसमें सारा फेक यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। मैं आप लोग एक मतलब पढ़ के बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग आ सकते हैं। बिहार में एक यूनिवर्सिटी ऐसा है, मैथिली यूनिवर्सिटी, जो फेक है, ये फेक डिग्री का लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी फेक यूनिवर्सिटी है उनका लिस्ट है यहाँ पे। दिल्ली में
छह ऐसा यूनिवर्सिटी है, कमर्शियल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली, ये सारे फेक है। कर्नाटका में एक है, केरला में एक है, महाराष्ट्र में एक है, राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, ये जो फेक है जिसको यूजीसी से अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये लोग ये शो करते हैं कि उनका डिग्री वैलिड है, ये उनका यूजीसी से अप्रूव है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दो यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनको फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट में दिया गया है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, पुडुचेरी में है, तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं फेक यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग इसको काइंडली चेक कर लीजिए। जो भी जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो डीम यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग आके देख लीजिए, खासकर डीम यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि वहीं पे आप लोग ज्यादा धोखा खाते हैं डीम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसके वो तो ज्यादा फेमस नहीं रहता है और उसमें वो लोग आपको बेवकूफ बना लेते हैं। तो आप लोग को अगर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो आप, उसके बारे में अगर पता करना है आप, तो यूजीसी में जाओगे, और किसी भी कोई आपका चाचा मामा क्या बोल रहा है उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो डिग्री प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो स्टेटस नहीं दे रहे किसी यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कहीं से सुना होगा आपको सुना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी 2018 में आप लोग किसी का बात पे क्यों विश्वास करोगे, आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो सोर्स है, जहां से जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, वहां से आप लोग पता ना कि वो यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, यूनिवर्सिटी का लिस्ट में जाओगे, आप लोग ये देख लो कि आपका सेंट्रल है, स्टेट है, डीम है या स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर जाओगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे, जब वहां पे जाओगे तो किस स्टेट से हो आप अपने स्टेट के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे सभी स्टेट का नाम दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, सभी का लिस्ट दिया हुआ है, आप जिस स्टेट में हो उसके ऊपर क्लिक करोगे और देखोगे कि आपका यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में है या नहीं। अगर उस लिस्ट में है तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो वैलिड है, अगर नहीं है तो आपका जो डिग्री है वो इनवैलिड है, जो यूनिवर्सिटी है वो भी इनवैलिड है, तो उसको जल्द से जल्द आप लोग रिपोर्ट करोगे। ठीक है, और वहां पे ऐसे जगह पे एडमिशन नहीं लोगे, और ज्यादातर अपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वो भी कोई गलत डिसीजन ना ले, गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता था कि यूनिवर्सिटी अगर रियल है या फेक है, इसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी, और अगर रियल है तो वो कैसे पता करेंगे, फेक है कैसे तो वो कैसे पता करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी आने वाले समय में जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।